हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एचएसएन कोड को लेकर एक नया अपडेट आया जो 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल होने वाला। अब सर, ये क्या अपडेट है ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। नॉर्मली आप सभी जानते थे कि सर, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनको अपने GSTR 1 में या फिर अपने सर ईवे बिल जब हम बनाते हैं उसमें, या फिर हम जो भी ई इनवॉइस या इनवॉइस बनाते हैं उसमें 4 डिजिट का HSN कोड की रिक्वायरमेंट हमको होती थी। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए सर 6 डिजिट के टर्न HSN कोड की जरूरत होती थी, लेकिन अगर हम नहीं भी डालते थे तो भी चल जाता था। यानी कि सर, हम ये कह सकते हैं कि हम किसी रीजन से हमने HSN कोड की डिटेल्स वहां पर नहीं दी, गवर्नमेंट हमसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से इसे कंपल्सरी कर दिया गया। कंपल्सरी का मतलब होता है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड जब भी आप इनवॉइस जनरेट करें उसमें आपको दिखाना है, जब आप ईवे बिल जनरेट करें उसमें भी आपको दिखाना है कि सर कौन सा प्रोडक्ट आप सेल्स कर रहे हैं उसका HSN कोड क्या है, या फिर अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये दिखाना है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको सर 6 डिजिट का HSN कोड दिखाना। अब सर, यहां पर स्टूडेंट्स के सर क्वेश्चन आते हैं कि सर, एग्जेम्प्टेड गुड्स की अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो सर वहां पर भी क्या HSN कोड की रिक्वायरमेंट होती है? तो आंसर इज यस। चाहे आप टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या फिर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सर दोनों के केसेस में आपको आपका HSN कोड कंपल्सरी शो करना। सर अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सर आपका ई वे बिल या ई इनवॉइस आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि सर आप ई वे बिल या ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेशन था जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा से इस अपडेशन को आप शेयर करें, क्योंकि सर आपके जो भी अदर्स कलीग्स हैं जो अकाउंटिंग या GST के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका सर ई वे बिल कैंसिल यानी कि ब्लॉक हो गया, या फिर अगर आपका ई इनवॉइस ब्लॉक हो गया, तो आप किसी को इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे, आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे कुछ समय के लिए, इसके बाद सर आपका वापस से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर कितना टर्नओवर है, आप GST में रजिस्टर्ड हो, इसका मतलब सर आपको 4 डिजिट का HSN कोड आपके ई इनवॉइस या फिर आपके इनवॉइस तो वैसे भी उनके और एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ई वे बिल में और जो भी आप इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को उसमें आपको शो करना, और अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो सर आपको ई इनवॉइस में या फिर आपके ई वे बिल में या फिर जो नॉर्मल इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको शो करना। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।